आए थे जवान मूवी देखने के लिए, सुबह सुबह उठ के नींद खराब करके टिकट नहीं मिला, वापस जा रहा हूँ। मॉरिशस कैसा देश है? मॉरिशस बहुत अच्छा देश है, जैसा है कि इंडिया जैसा है, बहुत मतलब मौसम के हिसाब से यहाँ पे गर्मी नहीं है, एक पूरा बहुत सुहावना मौसम रहता है, घूमने में अच्छा लगता है। ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मेरा कोई कंपनी है, ना ही मैं किसी को वीज़ा देता हूँ और ना ही किसी को मैं वीज़ा दे सकता हूँ। बस मैं घूमता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ मॉरिशस कैसा देश है, अगर आप आते हो तो क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, यही सब वीडियो बनाता हूँ। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हो ना, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी आप इंटरनेट में से बैलेंस इधर उधर भेजते हो ना, तो एयरटेल का सिम लेकर आते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि भैया एयरटेल का सिम लेकर आया है। और यहाँ पे ना काफ़ी इंडियन बांग्लादेश का आदमी रहता है जो काम करने के लिए आता है, और सब संडे सैटरडे को आपको देखने के लिए मिलेगा। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है आरिफ और आपका स्वागत करता हूँ वापस से एक नई वीडियो में। तभी सुबह के 10:30 बज रहा है और हम लोग आए हैं मूवी देखने के लिए, मैं और हालिम भाई और एक बंदा है पीछे। तो 10:30 बजे का शो है, ऑलरेडी 10:30 बज गया है, तो टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं है, लेकिन जा रहा हूँ देखता हूँ। और ये जो जगह देख रहे हो ना, ये पोर्टलिस का काफ़ी खूबसूरत जगह है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है पोर्टलिस वाटर फ्रंट और इसको कोदो बोलता है, ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ पर काफ़ी हिंदी मूवी का भी शूटिंग हुआ है। ये ना काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि समुंदर के पास में बना हुआ ना, इसलिए ऐसे सब खूबसूरत लग रहा है। पानी देख सकते हो, पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। अभी सुबह का टाइम है इसलिए कोई है नहीं, अगर शाम को अगर आते हो आप 3-4 बजे तक बहुत आदमी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हम लोग तो मूवी देखने के लिए आए हैं, तो सुबह सुबह आ गए, इसलिए सोचता हूँ क्या अगर 10:30 बजे का सुबह टिकट मिल जाता है तो अभी देख लूँगा, नहीं तो फिर हम लोग जो बाद में है ना उसका टिकट ले लेंगे। अगर अभी का नहीं मिलता है तो बाद में ले लेंगे ना, मिल जाएगा। हाँ, तो ये भैया को आपने पीछे एक वीडियो में देखा था जहाँ हम दोनों काम पे गए थे, अब इसको तो देखा ही होगा, हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। और दो भाई ऑलरेडी टिकट लेने के लिए नंबर लग गया, मैं भी जा रहा हूँ, शायद टिकट मिल जाएगा। मिलेगा टिकट? हाँ, गुड न्यूज़ है, टिकट मिलेगा लग रहा है। मुश्ताक भाई और ये नए नए आए हैं, टिकट नहीं मिला क्या करेंगे, अभी अफसोस करके जाना पड़ रहा है वापस। आए थे जवान मूवी देखने के लिए, सुबह सुबह उठ के नींद खराब करके टिकट नहीं मिला, वापस जा रहा हूँ। टिकट मिला था लेकिन जो ना शो ऑलरेडी चालू हो गया था और हम लोग ने सोचा कि शो चालू हो गया था तो क्या करेंगे देख के, इसीलिए टिकट ले गए हम लोग चले गए। उसके बाद पता चल रहा है कि शो चालू हो चुका है तो हम लोग टिकट फिर वापस कर दिया, और पैसा तो रिफंड नहीं दे रहा था, बाउचर दे रहा था, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने फिर पैसा बाद में वापस दिया। उधर चले गए, हाँ चलो घूमते घूमते चले गए। तो ये भैया अभी कुछ, अभी तो संडे है, ऐसे भी मार्केट लगता है, तो सोच रहा हूँ कि चलो इस भाई को टी शर्ट लेना है तो टी शर्ट ले लेता हूँ। टी शर्ट लूँगा, कितना टी शर्ट लोगे? जो भी पसंद आ जाए, 2-3-4। तो भाई को टी शर्ट लेना है तो चलो मैं बस सोचता हूँ चलो हेल्प कर देता हूँ, यहाँ पर दुकान है एक जहाँ से मैं टी शर्ट लेता रहता हूँ, तो इसको वहाँ पर लेके दूंगा टी शर्ट। सुबह जो यहाँ आए थे ना हम लोग कुछ खा के नहीं आए थे, तो सबसे पहले कुछ खाएंगे। वीडियो शूट कर ले, घूमने का जगह जो है ना उस साइड में काफ़ी है, जो उस साइड में छाता भी लगा हुआ है, वहाँ पर अगर चलता हूँ तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। उधर जाओगे पहले कुछ खाएंगे, उधर जाके बात की। क्या अभी जाओगे? अभी चलोगे? नहीं नहीं चलेंगे, ये भैया कुछ पहले कुछ खाएगा उसके बाद फिर हम लोग कहीं चलेंगे, इधर वापस नहीं आएंगे। वो यार बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, जो नहीं देखा है जाके देख सकते हो कितना खूबसूरत जगह है। और अभी वीडियो बनाने का भी मन नहीं हो रहा क्योंकि मूवी देखने आए थे टिकट नहीं मिला तो मूड ऑफ हो गया, तो सोचता हूँ कि देखूंगा ही नहीं, चलता हूँ। गाना मत बजाओ, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ जो है ना हम लोग को मिलता नहीं है, फिर भी हम लोग को सब्र करना पड़ता है। क्या हुआ भैया? हाँ कहाँ से हो आप? हाँ मैं भी हूँ इंडिया से, बिहार से। बिहार कौन सा जगह? कटिहार। कटिहार जिला, मैं कुशीनगर जिला की गोरखपुर का। कितना दिन हुआ है यहाँ पे? 1.5 साल हो गया ना। कौन सा काम कर रहे हो? तो
कांच गिलास का काम कर रहे हैं ना, अल्मोनियम वाले। अच्छा है कि नहीं काम? हाँ अच्छा है ना, सैलरी अच्छा मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है। अच्छा तो आया है फोटो, देख रहे हो आप लोग ना, काफी लोग कमेंट करते हैं आपको यूट्यूब पर, मैं देखा है ये देखता है इसलिए आपको मैं पहचान लिए। हाँ हाँ मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता रहता हूँ तो देख लिए, एक भैया से मिला, ये मेरा सब्सक्राइबर है और मेरा वीडियो देखता है और मिल गया मेरे से, आप भी देखना, आप भी आओगे। हाँ ओके। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट करता रहता है कि कितना सैलरी मिलता है, कितना पेमेंट मिलता है, देश कैसा है, इसलिए वीडियो बनाता रहता हूँ। और सैलरी के बारे में नहीं बनाता हूँ क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग सैलरी मिलता है, हर एक कंपनी का अलग रूल्स होता है, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ। और मैंने एक वीडियो बनाया था इसी जगह पे एक बैठ के, और एक बंदा है ना इंडिया में मुझे देखता था जब वो आया, और जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था उसी कंपनी में वो काम कर रहा था, तो वो वाला वीडियो आके उसको दिखा दिया बॉस को। तो बंदा वहीं पे काम कर रहा था, तुमने उसको तो बॉस बोला तुम बिना पूछे परमिशन उसको इंटरव्यू क्यों दिए? वो लड़का उसी कंपनी में आया, उसको दिखा दिया कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देखा हूँ, और उसी बॉस को जाके दिखा दिया। तो बॉस मेरे को फ़ोन करके गुस्सा किया, तुम वीडियो क्यों बनाए? तो वो लड़का मेरे को बोला कि मेरे को निकाल दिया कंपनी से, तो तुम वीडियो डिलीट कर दो। फिर मैंने वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि किसी के लिए अच्छा काम करो ना तो लोग समझता नहीं, आके फिर मेरे को टॉर्चर करता है, इसीलिए मैं किसी को बताता नहीं हूँ, इंटरव्यू भी नहीं लेता हूँ, लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाता हूँ, घूमता हूँ, दिखाता हूँ कैसा देश है, बस यही है। ओके ओके। वो भैया चला गया उसका फ़ोटो खींचने के लिए, उसका हेल्प करने के लिए। और ये मेरे दोस्त है तीनों जो बहुत ही मूड ऑफ है, तो मूवी देख नहीं पाया इसीलिए। और आप लोग ने जो वीडियो देखा ना, वो भैया यूपी से था और मैं भी बिहार से हूँ और कोलकाता साइड से हूँ, और मेरा लैंग्वेज थोड़ा अलग है। और आप लोगों ने देखा ना मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, इसीलिए मैं कोई इंस्टा आईडी भी नहीं है मेरा, ना मेरा कोई फेसबुक आईडी है, जो भी है मैं यूट्यूब में हूँ। बस कुछ कमेंट करता है, जो मुझे जानकारी होता है मैं ज़रूर बताता हूँ, और जो मुझे जानकारी नहीं होता है वो मैं नहीं बताता हूँ। और झूठ बोलता भी नहीं हूँ क्योंकि झूठ बोल के किसी को मैं फंसाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं उसको झूठ बोलूँगा यहाँ पर आएगा फिर बाद में पता चलेगा तो मुझे गाली देगा कि साला तेरा वीडियो देखा था, और वीडियो देखने के बाद मैं यहाँ पर आया था। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पर मिला भी है, करीब 8-10 आदमी हो गया जो मैं उससे मिला और उसने बताया, और वो भैया को अच्छा काम मिला इसलिए अच्छा कमाता है। यही है कोदो, इसको कोदो बोलता है, पोर्टलिस के साइड में ही आता है, और पोर्टलिस के साइड में जो है ना, पोर्टलिस जो है ना मॉरिशस का राजधानी है, पोर्टलिस के साइड में ही है। ओ भैया सेल्फी ले रहा है आपके साथ में? हाँ भैया सेल्फी लो। मैं यूट्यूबर हूँ, फेमस नहीं हूँ भाई, एक सेल्फी ले रहा है मेरा याद के लिए। पीछे वाला लो, पीछे वाला लो, पीछे चालू हो गया। आओ इधर से ले, पीछे लेंगे, पीछे का बैकग्राउंड तो अच्छा आना चाहिए ना। एक दो दोस्त मेरा खोज देना, हम दोनों भाई का एक साथ फोटो। इधर इधर अच्छे से खींच दो ताकि दिखे। माइक लगाइए मेरे सामने। तो मैं फेमस नहीं हूँ, बस कोई कोई जानता है, मेरे से फोटो ले लिया। मॉरिशस कैसा देश लग रहा है? मॉरिशस बहुत अच्छा देश, इंडिया जैसा है कि? हाँ इंडिया जैसा है, बहुत मतलब मौसम के हिसाब से यहाँ पे गर्मी नहीं है, एक पूरा बार सुहावना मौसम रहता है, घूमने में अच्छा लगता है। चलो चलिए जल्दी बात करेंगे भैया, ये हमारा साथ में हमेशा रहेगा, तो चलिए जल्दी बात करते हैं। एक यहाँ पे जो ना बारिश कभी भी चालू हो जाता है, ज़्यादा ठंडी नहीं होता ना गर्मी होता, अभी ठंडी का मौसम है फिर भी हम लोग टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो हम लोग जी वीडियो बनाना का यही मकसद है कि हम लोग कभी भी ये हमेशा हम लोग का याद रहेगा, इसलिए हाँ। भैया वीडियो बना रहा हूँ, और भैया मेरे को देखता है, सब्सक्राइबर है मेरा, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा मिलके कि मेरा सब्सक्राइबर है भैया। हाँ तो इसीलिए तो आपको हाँ। मैं देखा तो पहचान लिया। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुआ क्योंकि मैं पहली बार किसी सब्सक्राइब से इतना बातें कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हर कोई वीडियो कैमरा में नहीं आना चाहता है, ऐसे तो कभी मिल जाता है मुझे लेकिन कोई कोई नहीं आना चाहता है, लेकिन भैया के साथ आया हूँ तो थोड़ा बात कर लिया और अच्छा लगा मुझे काफ़ी मिल के। हाँ और कौन सा जगह पर रहते हो आप? मैं कोरोमंडल में रह रहा हूं। कोरोमंडल के आगे है मेट्रो स्टेशन। हां हम मेट्रो के पास हम लोग आए थे मूवी देखने के लिए, ठीक है, जवान मूवी आना शाहरुख खान का। अच्छा हां तो हाउसफुल है, नहीं मिला ये आता बच्चन का हाथ होटल में चल रहा है ना। हां लेकिन वहां पे जो फोटो लगा हुआ है ना, हां वही है, वही है, वही आता बच्चन का हाउस है। तो वो उसका खुद का होटल है वो? हाँ निजी अपना उनका है, एक और है समुद्र किनारे वो बनवा रहे थे, वहाँ पे काम करने गए थे। हाँ तो वहाँ पे जानो अमिताभ बच्चन आए थे लेकिन हम लोग देख नहीं पाए, देख नहीं पाए, तुरंत आए तुरंत निकल गए। तो अभी जो बहुत टाइम हो गया बाद में आएंगे। हाँ। अभी हम लोग को जाना पड़ेगा। कहाँ? हम लोग वापस चले जाएंगे। ठीक है ठीक है, बाद में मिलेगा। ठीक है बाय बोल दीजिए। बाय बाय।
तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो जो वहाँ पे अमिताभ बच्चन का फोटो लगा हुआ था वही अमिताभ बच्चन का ही होटल है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि भैया वहाँ पे काम भी किया है और एक जगह पे काम पे भी गया था तो उसको मालूम चल गया। चलो हम लोग उधर मार्केट है, एक मार्केट में जाके खाते हैं और उसके बाद इसको टी शर्ट भी लेना है, टी शर्ट ले लेंगे। तो भैया मुझे छोड़ के चले गए। अपना नाम बता दो, नाम ही तो नहीं पूछा। मेरा नाम हृदय चौहान है, मैं कुशीनगर जिला टमकुही रोड मेरा घर है, वहाँ का रहने वाला है। हृदय चौहान नाम है भैया का और ये मेरा सब्सक्राइबर है। लेकिन मुझे छोड़ के चले गए थे उधर, लेकिन वो उसका दिल नहीं लगा, बोलता कि आज मैं आपके साथ घूमूंगा तो चलो फिर चलता हूँ। अभी हम लोग खाना खाएंगे तो भैया के साथ भी थोड़ा खा लेंगे। और मुझे जो भी मिलता है ना, अगर मुझे हेल्प, जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ ना हेल्प कर देता हूँ। ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना ही मेरा कोई कंपनी है, ना ही मैं किसी को वीज़ा देता हूँ और ना ही किसी को मैं वीज़ा दे सकता हूँ। बस मैं घूमता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ मॉरीशस कैसा देश है, अगर आप आते हो तो क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, यही सब वीडियो बनाता हूँ। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हो ना, गूगल पे, पेटीएम या कुछ भी आप इंटरनेट में से बैलेंस इधर उधर भेजते हो ना, तो एयरटेल का सिम लेके आते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि भैया एयरटेल का सिम लेके आया है और चल रहा है। तो मेरा गूगल पे बंद हो गया, यहाँ पर बैन है, फोन पे चलता है, गूगल पे नहीं चलता है। गूगल पे नहीं चलता है क्योंकि मेरा गूगल पे बंद हो गया, फोन पे चालू नहीं। मेरा एक दोस्त था गूगल पे भी चलता है, लेकिन आपका क्यों बंद हो गया वो नहीं बता सकता था ना। हाँ सबका इंटरनेट से। हाँ तो चलो फिर हम लोग पहले खाना खाते हैं। आओ भैया चलो खाते हैं कुछ। ये जो मार्केट है ना काफ़ी फेमस मार्केट है, कुछ सब्जी मंडी है और अगर आप यहाँ पर आते हो तो खाने पीने का सामान काफ़ी सारा मिल जाएगा। और यहाँ पे सभी को हिंदी आता है तो आप डरना मत कि यहाँ पे हिंदी भोजपुरी सब चलते हैं। मेरा दोस्त एक मेरा हेल्प कर दिया, यहाँ पे 30 रुपये मांग रहा था, 25 रुपये में काम बन गया। 35 रुपये ले लेता फोटो नो यूट्यूब चैनल हम लोग चले क्या, जाओगे हम लोग के साथ? तो क्या है, सैटरडे संडे को आते हो ना इस मार्केट में, बहुत बार देख चुका हूँ लेकिन आप लोगों को फिर भी बता देता हूँ, अगर आप सैटरडे संडे को आते हो ना तो इस मार्केट में आपको इतना ही भीड़ देखने के लिए मिलेगा। और क्या है कि अगर आपको कुछ लेना है, ख़रीदना है छोटा मोटा सामान, जो जूता चप्पल या कोई टी शर्ट जीन्स ऐसा अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा। तो ये जो मार्केट है ना हमेशा लगता है, और आज संडे को थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है, सैटरडे को 3 बजे बंद हो जाता है ना। हाँ यहाँ पर ऐसा सिस्टम है यहाँ पर। और इस साइड में जो है ना सब्जी मंडी है, और इस साइड में जो चिकन मटन मछली जो भी लेना है इस साइड में मिल जाएगा आपको। इंडिया से आ रहे हो ना काम करने के लिए, जो भी आपका जरूरत का सामान है, कपड़ा हो गया, बीड़ी सिगरेट तंबाकू बिमल जो भी है ना साथ में लेके आना, क्योंकि ये सब यहाँ पे मिलता नहीं है, और बहुत मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना इंडिया चला जाता है और हम लोग सोचने लगते हैं कि इंडिया का इतना पैसा दिया हूँ। भैया ने बेल्ट ले लिया और इसको टी शर्ट लेना है, लेकिन इस साइड में टी शर्ट नहीं लूँगा, टी शर्ट इधर भी सस्ता मिलता है लेकिन इसको पसंद नहीं आया, तो मैं जहाँ से लेता हूँ ना अगर वहाँ पर दुकान खुला है तो वहीं से लूँगा, फिर उधर से बस पकड़ के चले जाएँगे। और दो भाई था वो चले गए, और एक भाई सब्सक्राइबर था जो मेरा वो चले गए, हम दोनों जा रहे हैं वहाँ से बस पकड़ेंगे फिर चले जाएंगे। आपको मालूम है बिच्छू मूवी का एक सॉन्ग का शूटिंग हुआ था बॉबी देओल रानी मुखर्जी के ना, इसी में इसी 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 किसी एक बिल्डिंग से हुआ था, मालूम है पूरा पोर्ट लिस्ट दिख रहा था, काफी मूवी का शूटिंग भी हुआ इस जगह पे। और एक चर्च है ना, चर्च अक्षय कुमार प्रियंका चोपड़ा मुझसे साधु का शूटिंग हुआ था ना चर्च में, वो विक्टोरिया उधर चर्च है वो, हम लोग मैं उधर घूमने गया था, जो मुझे पहले से देखता है ना वो लोग देखा होगा, जो नहीं देखता वो लोग को मालूम नहीं होगा। और यहाँ पे ना काफ़ी इंडियन बांग्लादेश का आदमी रहता है जो काम करने के लिए आता है, और सब संडे सैटरडे को आपको देखने के लिए मिलेगा, और बाकी दिन में तो सब काम करता है, जैसे हम लोग काम करते हैं वो लोग भी काम करता है। तो अभी जो देख रहे थे ना बैठा हुआ है वो सब इंडियन था,
देख सकते हो पीछे सब दुकान बंद है, और भैया को जो लेके आया था सोच के वो हुआ भी नहीं। मूवी भी देखने के लिए आया था, मूवी भी नहीं देख पाया, और टी शर्ट लेने के लिए आया था, टी शर्ट भी देख नहीं पाया। तो हम लोग सोचते हैं कि वापस चले जाएंगे, और काफ़ी थक गया हूँ तो काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं। तो अभी चलते हैं और भैया कुछ खिला देता हूँ, और मैं अभी कैमरा यहीं पर रख देता हूँ। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।